हाय एवरीवन, कैसे हम सभी। आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को टोयोटा फॉर्च्यूनर का भाई ब्लैक कलर आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। एंड ये है दोस्तों 4x2 ऑटोमेटिक पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आज पेट्रोल फॉर्च्यूनर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, जो कि ब्लैक कलर में कैसी लगती है। और ये है इसका व्हाइट कलर, इसकी भी वीडियो आप लोगों को चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका ब्लैक कलर। भाई ब्लैक कलर के ना अपना अलग ही रूल है एक रोड पे, ठीक है। अगर ये वाली गाड़ी रोड पे दिखती है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस गाड़ी को कोई मुड़ के ना दिखे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कलर को, ये जो कलर है ना, व्हाइट से ज्यादा शानदार लगता है वाला कलर देखने में। बाकी कलर जो है सबके अपने अपनी रिस्पेक्टिव चॉइस है, ठीक है। मेरे को भाई ज्यादा अच्छी जो फॉर्च्यूनर है वो ब्लैक कलर में लगती है। शुरू करते हैं शुरू से। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में ना इसकी लुक कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, देख सकते हो आप लोग। मेरे चैनल पर आप लोगों को लेजेंडर की वीडियो देखने को मिल जाएगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये है नॉर्मल फॉर्च्यूनर, लेजेंडर भी आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ग्रे कलर में यहाँ पे इसकी जो ग्रिल है सारी देखने को मिलेगी इसके बंपर पे। यहाँ पे इसकी जो ग्रिल है सारी ब्लैक पियानो फिनिशिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को क्रोम जो है इसका टोयोटा का काफी बड़ा लोगो मिलेगा, मेरे हाथ से अंदाजा लगा के देख लो कितना बड़ा मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सारे यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग देखने को मिलेगी। और ये है इसकी एलईडी हेडलाइट, ये आप लोग देख सकते हो। ये सारा आप लोगों को डीएलएल देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप लोगों को देखने को मिलेगी एलईडी। यहाँ पे इसकी आप लोगों को प्रोजेक्टर उसकी फॉग लैंप है ये देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप लोगों को इसका ये डीएलएल देखने को मिलेगा एलईडी, जो कि इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाता है, ये भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। फॉर्च्यूनर जो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे 3D में देखने को फ्रंट में मिल जाएगा, जो कि देखने में अगेन काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सो फ्रंट से इसकी लुक आप लोग देख सकते हैं। बात करें इसके बोनट की, तो भाई ये बहुत बड़ा आप लोगों को मिलेगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से साइड टायर्स की, तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रिज स्टोन के जो टायर्स हैं देखने को मिलेंगे। टायर प्रोफाइल की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, यहाँ पे आप लोगों को 265/65 R17 265/65 R17 के आप लोगों को फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को चारों टायर में जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आप लोगों को डायमंड कट में जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। इस गाड़ी के जो ओवर व्यूज की बात करूँ, तो ये आप लोगों को जिस तरीके के मिलेंगे ब्लैक आउट, यहाँ पे आप लोगों को साइड टायर इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। ऑटो फोल्डेबल है यहाँ पे आप लोगों को जो मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी महंगी गाड़ी तो आप लोगों को मिलेंगे मिलेंगे। दो आप लोगों को वाइपर देखने को मिलेंगे, प्रीमियम वाले वाइपर है भाई, नॉर्मल वाले वाइपर नहीं है। दो आप लोगों को वॉशर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये है इस गाड़ी की साइड से लुक, साइड प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं। भाई कितनी बड़ी गाड़ी है, फ्रेम में भी नहीं आ पा रही है, देख रहे हो कितनी बड़ी गाड़ी है। यहाँ पे आप लोगों को क्रोम जो है इसमें, जो कि इस हिसाब से जच भी रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर क्रोम आप लोगों को। इसके डोर हैंडल्स हैं देखने को मिलेंगे दोनों साइड में आप लोगों को। फ्रंट में रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और ये है इसके आप लोगों को रियर वाले जो मिलने वाले हैं। नीचे आप लोगों को क्लैडिंग में फॉर्च्यूनर लिखा हुआ मिलेगा। और आप लोगों को फुटरेस्ट भी देख सकते हैं आप लोगों को लगा लगाया इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इसकी पीछे से भी आप लोगों को लुक दिखाता हूँ। ये है इसकी एलईडी टेल लाइट, ये भी आप लोग देख सकते हैं, पूरी एलईडी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ये इसकी आप लोगों को डीरल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, ये रिवर्स पार्किंग लैंप आप लोगों को मिल जाएगी पीछे आप लोगों को। और ये रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा, और ये इसकी टेल लाइट भी आप लोगों को मिलने वाली है, ये भी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। ये है इसका यहाँ पे स्पॉइलर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर आप लोगों को शार्क फिन एंटीना भी इसमें देखने को मिल जाएगा, ये भी आप लोगों ने देख लिया। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आप लोगों को मिलेगी, डिफोगर मिलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को वाइपर भी देखने को मिल जाएगा। ये है इसका यहाँ पे फॉर्च्यूनर, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके क्रोम में। टोयोटा का काफी बड़ा लोगो आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट लगाने की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 आप लोगों को चार जो इसमें पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। ये रियर लुक आप लोगों को दिखाऊँ तो भाई ये इसकी पीछे से लुक देख रहे हो आप लोग, कितनी जबरदस्त रियर से लुक इसकी आप लोगों को मिल जाती है। सो इस गाड़ी का एक अलग ही आप लोगों को रोड प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलेगा। 80 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे। एंड ये है इसकी साइड से लुक, एक और लुक देख लो साइड से, मतलब देख रहे हो क्या शाइन मार रहा है कलर, मैं ही आप लोगों को पूरा पूरा नजर आ रहा हूँ उसमें, ठीक है। सो गाइस, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2024 का 4x2 ऑटोमेटिक पेट्रोल वाला वेरिएंट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई, काफी प्रीमियम इंटीरियर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लूँ उसके स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे आप लोगों को एक लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को इसमें जो ये पियानो फिनिशिंग है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। बीच में टोयोटा का लोगो मिलेगा, एयरबैग की ब्रांडिंग आप लोगों को मिलेगी। ये सारे आप लोगों को इसके इंफोटेनमेंट के बटन्स देखने को मिलेंगे। इधर की तरफ आप लोगों को इसके MID के जो कंट्रोल्स हैं ये आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है इस गाड़ी का यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को इसमें पैडल शिफ्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे, और इधर की तरफ आप लोगों को हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं ये देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर आप लोगों को पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्विचेस आप लोगों को मिलेंगे। एक ट्विटर की प्लेसमेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये है गाइज इसका यहाँ पे एसी वेंट, साइड एसी वेंट आप लोग देख सकते हैं। पकड़ने के लिए ना आप लोगों को ग्रैब हैंडल भी इसके अंदर यहाँ पे दिया जाता है। इसके अंदर गाइज आप लोगों को ऑटोमेटिक डिम वाला जो है यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये आप लोगों को इसके रियर व्यू मिरर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को टिकट होल्डर मिलता है, एक वैनिटी मिरर मिलता है, जैसे इसको नीचे करेंगे जो लाइट है ये भी चल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर जो एलईडी लाइट है ये आप लोगों को एलईडी मिलती है। एक यहाँ पे आप लोगों को सनग्लासेस होल्डर भी देखने को मिलता है। इधर की तरफ अगेन आप लोगों को सेम चीज देखने को मिलेगी जो आप लोगों को इधर की तरफ मिल जाएगी। वहां पर भी आप लोगों को एक यहाँ जो है
ग्रैब हैंडल जो है ये आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा इधर की तरफ। बाकी ये सब ना आप लोगों को ये देख लो सब लेदराइट सॉफ्ट टच फिनिशिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्च्यूनर लिखा हुआ मिलेगा भाई, ये भी ना देखो ये भी खुलता है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सामान रख सकते हैं और नीचे भी सामान आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों जो है यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी के लिए दिए जाते हैं। एसी वेंट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टाइम दिखाता है, ये आप लोगों को हजार के जो स्विच है वो मिलेगा। काफी बड़ी आप लोगों को इसके अंदर जो स्क्रीन है ना ये देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 9 से 10 इंच की स्क्रीन आप लोगों को मिलती है। ऑटो एसी इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो वेरियंट है इसके अंदर आप लोगों को गाइस यहाँ पे जो वेंटिलेटेड सीट है ना, ये जो सीट से वेंटिलेटेड सीट है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसके कंट्रोल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आगे की दोनों वेंटिलेटेड है। ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा, 12 वोल्ट का सॉकेट आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को यूएसबी चार्जिंग के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को फोन रखने की यहाँ पे जगह मिलती है और यहाँ पे आप लोगों को कप होल्डर मिल जाते हैं, तो ये भी आप लोग चीज चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दो मोड मिलेंगे, इको पावर या ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। हैंड ब्रेक जो है इसकी ये भी आप लोगों को लेदर रैप मिलती है। और ये जो है इसमें यहाँ पे आप लोगों को ये एडजस्टेबल नहीं मिलता है हैंड रेस्ट, ये आप लोगों को फिक्स मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। और इस मेरी बात का लॉक हो जाता है, देख रहे हो ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, इससे उछलेना बार बार, ठीक है। बाकी पीछे चलते हैं, पीछे के बारे में बात करते हैं। आगे से यही है इस गाड़ी के बारे में, सब चीजें चेकआउट कराती है। एमआईडी अभी मेरे पास फिलहाल इस गाड़ी की जो 200 चाबी है वो नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसकी जो एमआईडी है वो नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें आप लोगों को जो एमआईडी है वो काफी प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पे देखने को गाइस मिल जाती है। 200 के आप लोगों को टॉप स्पीड मिलती है, 7000 RPM इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए पीछे चलते हैं, पीछे वाली सीट के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा एक बार वो देख लो। यहाँ पे आप लोगों को ना कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को एक 12 वोल्ट का यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर एक सॉकेट दे दिया गया है। यहाँ पे इसको चार्जिंग पे लगा के अपना फोन आप इसके अंदर यहाँ पे खड़ा कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को रीडिंग लैंप जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जो कि LED मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को AC के जो कंट्रोल्स हैं वो आप लोगों को AC वेंट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे, कंट्रोल आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोल मिलेगा AC का और वेंट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी पीछे इसके अंदर आप लोगों को सेम वही चीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि आप लोग पीछे की तरफ भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को रियर का मिल जाएगा भाई, कम्फर्ट जो है ना इस गाड़ी के अंदर मजेदार है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस गाड़ी की माइलेज की, तो वाली गाड़ी आप लोगों को दोस्तों सिटी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को 7, 8, 10 तक मैक्सिमम देगी पेट्रोल पे। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से इसकी डीजल की, तो डीजल में गाड़ी आप लोगों को 14-15 तक भी दे देती है गाइस, जो कि काफी अच्छी माइलेज है इस गाड़ी के हिसाब से और इतनी बड़ी SUV के हिसाब से, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो 35,02,000 रुपए, 35,02,000 रुपीज इसका एक्चुअल रूम प्राइस है। और ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूं अगर मैं आप लोगों से इसकी, तो यहाँ पे आप लोगों को 14,65,000 रुपीज उसका दिल्ली में ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा, मतलब इसके आसपास ही रहता है इसका प्राइस, और चेंज हो जाता है अगर आप लोग किसी और स्टेट से वाली वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। हर स्टेट का, हर सिटी का अलग अलग जो ऑन रोड प्राइस है वो वेरी करता है। वेल ये थी मेरी आज की वीडियो इस गाड़ी के बारे में, फुल डिटेल आप लोगों को दे चुका हूँ इस गाड़ी के बारे में, अंदर बाहर सारे में आप लोगों को मैंने चेकआउट करा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आप लोग आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।